हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बर्गेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। पनीर टिक्का पिज़्ज़ा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। हम पनीर टिक्का ऐसे बना के रखते हैं ट्रे के अंदर, जैसे ही ऑर्डर आता है हम फटाफट सीख में लगा देते हैं, लेकिन मैं पिज़्ज़े के लिए लगा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अलग से लगाऊंगा। इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा कैसे लगाएं। सबसे पहले आपने प्याज, कैप्सिकम और टमाटर, इसको सासलिक बोलते हैं, ये लगाने हैं 3 पीस। उसके बाद पनीर, ये देखिए ऐसे पनीर लगाने के बाद फिर आपने सासलिक लगाना है, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर, ऐसे 3 लगाना है। ये 3 क्यों लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब मैं इसी तरीके से पनीर लगा लूंगा, आप भी ऐसे लगाएं। ये देखिए इस तरीके से आपने लगा लेना है। आप चाहें तो ऐसा थोड़ा थोड़ा मसाला यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम पिज़्ज़े के लिए बना रहे हैं तो पिज़्ज़े में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ दिखेंगी तो अच्छी लगेंगी। ऐसे आपने लगाना है। एक पोर्शन पनीर के लिए 5 टिक्के बहुत हैं। अब मैं ये सेंक लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ सेंक के। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन पनीर टिक्का हो गया है। अब आपने ये सीख से निकाल लेना है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमने काटना ही है। उसके बाद आपने इसको ऐसे काट लेना है, ये देखिए यहाँ से ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा ये मैंने इतने सासलिक क्यों लगाए, वो इसलिए क्योंकि आप जब पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आप अलग से प्याज टमाटर उसमें डालते हैं साथे करके, तो वो आपको डालना ना पड़े। इसके लिए आपने जब पनीर लगाना है सीख में उस टाइम आपने सासलिक ज़्यादा लगाना है। ये देखिए जब आप ऐसे ज़्यादा सासलिक लगाएंगे तो ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा, बेहतरीन। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ये उठाया और पिज़्ज़ा पे डाल दिया, कितना बेहतरीन लग रहा है देखिए। उसके बाद आपने लेना है पिज़्ज़ा नेट, इसके ऊपर आपने रखना है पिज़्ज़ा इस तरीके से और लगा देना है आपने सॉस। आप सॉस लगाने के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, पिज़्ज़ा से बाहर नहीं जाना चाहिए सॉस, पिज़्ज़ा के अंदर ही रहे। कई बार आप देख रहे हैं ऐसे लटकता होता है इधर उधर, वैसा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऐसे सॉस लगाने के बाद आपने इस पे डालना है चीज़, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी कोई पिज़्ज़ा बनाते हैं तो जिस चीज़ से आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जैसे आज मैं पनीर टिक्के से पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, तो पनीर टिक्का डालने से पहले आपने चीज़ डालना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे चीज़ डालने के बाद आपने डाल देना है पनीर टिक्का। आपको आज मज़ा ही आने वाला है बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं मज़ा वो आएगा आज। ये देखिए अब भी से खूबसूरत लगने लगा पिज़्ज़ा, शक्ल देखिए आप। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है चीज़। इस टाइम पे आप चीज़ ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसकी खूबसूरती ख़राब नहीं करनी है आपने, तो ऐसा आपने चीज़ डालना है ताकि जो हमने पनीर डाला इसमें वो दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपने डालना है, ये है सही तरीका। अगर आप पहले चीज़ नहीं डालेंगे तो ऊपर आपने ज़्यादा डालना पड़ेगा तो इसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सीधा ऐसे लिया स्पैचुला के ऊपर, ये देखिए अब डाल देंगे ओवन के अंदर। इस तरीके से आपने डाल देना है ओवन के अंदर। और मैं आपको बहुत बार ओवन के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं इसको 270 से 260 डिग्री के टेम्परेचर में पकाता हूँ। इसको पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपने एक बार ऐसे पिज़्ज़े को घुमाना ज़रूर है, घुमा के पकाएं। ये एक टेक्निक होता है पकाने का ताकि चारों तरफ एक जैसा कलर आ जाए।
ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर आ गया है। अब मैं इसको निकालूंगा, आप भी इसी तरीके से पका के और निकालें। अब मैं आपको बताऊंगा काटने का तरीका, आपने ऐसे टेबल पर रखना है, उसके बाद जाली से हटा के स्पैचुला के ऊपर रख लेना है इस तरीके से। जाली पे क्या होगा, जाली पे ढंग से कट नहीं पाएगा, तो इसलिए आपने हमेशा स्पैचुला के ऊपर रख के काटना है या फिर टेबल के ऊपर रख के काटना है ताकि पिज्जा ढंग से कट जाए। काटने का तरीका यह है, आपने जोर से ऐसे मारना है, ये देखिए, और घच करके ऐसे खींच देना है। अगर आप धीरे से मारेंगे तो ये क्या है, टाइट होता है साइड में, तो कट नहीं पाएगा। तो आपने बिना डरे ऐसे मारना, ये देखिए, और पिज्जा फट से कट जाएगा। अब पिज्जा कट गया, अब मैं डाल दूंगा प्लेटर के अंदर। और इस पे रख के काटने का फायदा क्या है, आप ऐसे, ये देखिए, आसानी से प्लेटर में भी रख सकते हैं, आपको ऐसे वैसे उठाने की झंझट नहीं होगी। तो ये एक आसान तरीका है, मैं आपको हमेशा आसान तरीके ही बताता हूं। अब ये देखिए एक बेहतरीन पिज्जा बन के तैयार है आपके सामने, शानदार रेसिपी और शानदार कलर, बहुत ही बढ़िया पिज्जा लग रहा है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट।